सो हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो X70 सीरीज को लेकर, जो कि चाइना के अंदर 9th ऑफ सितंबर को देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर कुल तीन डिवाइस होने वाले हैं, वीवो X70, X70 Pro और X70 Pro Plus डिवाइस। अब ये तीनों ही डिवाइस ना BIS पर लिस्टेड भी हो चुके हैं, जिसका ये सीधा मतलब है कि इंडिया के अंदर भी ये तीनों ही डिवाइस बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस, इन तीनों ही डिवाइस को लेकर सारे स्पेक्स सामने निकल कर आ चुके हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो X70 सीरीज के फुल स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इंडिया के अंदर कब तक को मिल सकता है, क्या कुछ प्राइसिंग हो सकती है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो सीरीज को लेकर, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। हे गाइस, मैं हूं सीओम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सीओम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो X70 और X70 Pro स्मार्टफोन को लेकर, बिकॉज ये जो दोनों स्मार्टफोन है लगभग सिमिलर स्पेक्स के साथ में आने वाले हैं, और गाइस इनकी जो प्राइसिंग रहने वाली है ना, वो भी बहुत ही कमाल की रहने वाली है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं Vivo X70 और X70 Pro को लेकर, बिकॉज ये दोनों ही डिवाइस लगभग सिमिलर स्पेक्स के साथ में आने वाले हैं। जहां पर अगर बात करें सबसे पहले हम फोन के डिजाइन को लेकर, तो आप देख सकते हो दोनों ही फोन अमेजिंग डिजाइन के साथ में आते हैं, जहां पर आपको व्हाइट और ब्लैक कलर देखने को मिलेगा ग्रेडियंट ग्लास बैक के साथ में। और गाइस, ये प्रीमियम बैक पैनल रहने वाला है, यहाँ पर आपको ग्लास पैनल देखने को मिलता है। आपको ओवरऑल जो डिजाइन देखने को मिलती है वो काफी कमाल की मिलती है, जहां पर आपको जाइस ब्रांडिंग देखने को मिलती है कैमरा को लेकर, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो गाइस, ओवरऑल डिजाइन कमाल की रहने वाली है। बात करें अगर डिस्प्ले को लेकर, सो यहाँ पर आपको दोनों फोन के साथ में 6.5 इंच की डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाती है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट दोनों फोन के अंदर होगा। E4 AMOLED पैनल रहने वाला है, और 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट रहने वाला है। डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें ना, तो दोनों ही फोन गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन के साथ में आने वाले हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। सेंटर में पंच होल कटआउट देखने को मिलता है, और गाइस ओवरऑल जो डिस्प्ले रहने वाली है कमाल की होने वाली है। लेकिन जो डिफरेंस होगा ना, जो वीवो X70 होगा वो फ्लैट स्क्रीन के साथ में आने वाला है, वहीं पर जो प्रो वेरिएंट होगा वहां पर आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। तो डिस्प्ले में बस इतना ही सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सिमिलर रहने वाला है। ओवरऑल जो ब्राइटनेस होगा, जो कलर होगा, वो कमाल का आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले से आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोसेसर को लेकर, कि इंडिया के अंदर किस चिपसेट के साथ में स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, तो भाई देखो, चाइना के अंदर तो कंफर्म हो चुका है कि ये डिवाइसेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वाले चिपसेट के साथ में आने वाले हैं, जो कि 7nm आर्किटेक्चर के साथ में आने वाला एक पावर इफिशिएंट, एक पावरफुल चिपसेट है। और भाई यहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इस चिपसेट के साथ में। लेकिन गाइस, अगर आपको याद हो तो वीवो X60 सीरीज को देखिए, या फिर वीवो के X सीरीज के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें ना, तो इंडिया के अंदर और ग्लोबली ये डिवाइसेस Exynos चिपसेट के साथ में लॉन्च होते हैं, और भाई चाइना के अंदर इसी मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 चिपसेट के साथ कंफर्म लॉन्च होने वाला है। लेकिन अगर बात करें इंडिया के अंदर ना, तो ये डिवाइस आपको Exynos के 1080 चिपसेट के साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस, अभी आप बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये Exynos का 1080 चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 से अच्छा है या फिर कैसा है। तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि भाई Exynos का 1080 5nm आर्किटेक्चर के साथ आने वाला एक पावर इफिशिएंट चिपसेट है और पावरफुल चिपसेट है। हालांकि एक Samsung का चिपसेट है, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी परफॉर्मेंस वाइज, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर ओवरऑल GPU और परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो आगे निकल जाता है Exynos का 1080 चिपसेट। तो अब इन दोनों ही में से किसी भी चिपसेट के साथ इंडिया के अंदर ये डिवाइस देखने को मिले, कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है ना, वो Exynos 1080 के ही हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर मैं बोलूंगा कमाल के स्मार्टफोन्स हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस, अगर बात करें ना, तो LPDDR4X RAM आपको देखने को मिलेगी, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में स्मार्टफोन आने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें कैमरास को लेकर, तो भाई आपको पता ही है कि वीवो की X सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है कैमरा को लेकर। और गाइस, वीवो X70 सीरीज के अंदर जो X70 और X70 Pro स्मार्टफोन है, यहां पर कैमरा के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। जहां पर वीवो X70 के साथ में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलेगा, तो X70 Pro के साथ में क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। जहां पर आपको वीवो X70 के साथ में 40 megapixel का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, 12 megapixel का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, और 12 megapixel का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलेगा डेडिकेटेड। इसके अलावा अगर X70 Pro की बात करें, तो यहां पर आपको 50 megapixel यानी 50 megapixel का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, 12 megapixel का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, और 12 megapixel का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जो कि 2x जूम के साथ में आता है। और लास्ट में आपको 8 megapixel का एक पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा 5x जूम के साथ में। लेकिन यार, इस बार जो कैमरा क्वालिटी रहने वाली है और भी ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है, और इस प्राइस के ऊपर नंबर वन कैमरा स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस बार ना, इन फोन्स के साथ में आपको जाइस की ब्रांडिंग मिलती है। बस ब्रांडिंग ही नहीं मिलती है, जैसे वन
OnePlus 9 सीरीज के साथ में आपको देखने को मिली थी Hasselblad की ब्रांडिंग। तो कुछ बस ब्रांडिंग ही नहीं होगी यहाँ पर, जो लेंसेज में ग्लास यूज किया जाने वाला है, कैमरा में जो आपको ग्लास देखने को मिलेगा वो जाइस का ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल भाई हार्डवेयर लेवल पर जाइस काम करने वाला है और अमेजिंग कैमरा क्वालिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बाकी आपको दोनों ही फोन्स में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी को लेकर तो दोनों ही फोन्स में 4400 mAh यानी 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और दोनों ही 44 watt के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपको डुअल कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाले हैं और कोई भी IP रेटिंग नहीं देखने को मिलने वाली है। लेकिन ओवरऑल अगर फाइनली बात करें दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग को लेकर ना, तो जो वीवो X70 रहने वाला है ये स्मार्टफोन आपको 35 से 40 हज़ार के करीब इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है और जो प्रो वेरियंट होगा ना ये डेफिनेटली 50 हज़ार के करीब आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है, आपको और भी ज़्यादा अमेजिंग कैमरा क्वालिटी के साथ में। लेकिन भाई अगर बात आती है वीवो X70 प्रो प्लस डिवाइस को लेकर, तो ये जो स्मार्टफोन होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन होगा और एक अमेजिंग स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, जो कि आने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में, जो कि एक पावरफुल 5G चिपसेट होगा और यहाँ पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी कमाल का देखने को मिलने वाला है। गाइज अगर बात करें इस फोन के स्पेक्स को लेकर, तो इस फोन का जो कैमरा होगा या फिर परफॉर्मेंस होगा वो सब कुछ टॉप नॉच रहने वाला है। जहां पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो वीवो X70 प्रो प्लस का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो और भी ज्यादा अमेजिंग होगा, बिकॉज 6.7 इंच के साइज के साथ में यहाँ पर आपको 2K रिजोल्यूशन देखने को मिलने वाला है और ये एक E4 AMOLED स्क्रीन रहने वाला है 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। यहाँ पर भी आपको सेंटर में पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, आपको कर्व एडजस्ट देखने को मिलेंगे और यही नहीं X70 प्रो प्लस की जो डिस्प्ले रहने वाली है वो 10-bit कलर को भी सपोर्ट करने वाली है। तो भाई जो कलर्स होंगे डिस्प्ले के अंदर से वो और भी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले ब्राइट होगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बोले ना तो एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले रहने वाली है इस प्राइस के ऊपर। बाकी गाइस आप बैक साइड लुक देख सकते हो इस फोन का, काफी अमेजिंग हो जाता है, जहां पर आपको लेदर बैग के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ऑरेंज ब्लैक और व्हाइट जैसे कमाल के कलर देखने को मिलेंगे, साथ में एक ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस फोन का जो बैक रहने वाला है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है, यूनिक रहने वाला है, जहां पर अगर आप कैमरा सेंसर्स पर एक नजर डालो तो काफी बड़े कैमरा सेंसर्स देखने को मिलते हैं और भाई यहां पर आपको एक पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लेंस है ना वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बोल सकते हो थोड़ा सा बंप आपको देखने को मिलता है कैमरा के ऊपर। लेकिन भाई परफॉर्मेंस के साथ में इस फोन का जो कैमरा होगा वो भी काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, जहां पर आपको इस फोन के बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी लेंस रहने वाला है वो होगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आने वाला है सैमसंग की तरफ से आइसोसेल GN1 सेंसर। तो भाई यहां से आप बहुत ही अमेजिंग वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड वाला लेंस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, 48 मेगापिक्सल का सोनी MX598 का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 12 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलेगा, जो कि सोनी MX663 वाला रहने वाला है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जो कि 5x जूम के साथ में आता है और OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा इस लेंस के साथ में। तो भाई ओवरऑल जो ये कैमरा स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रही है ना वो फ्लेक्सिबल लेवल की हो जाती है और भाई आपको जो कैमरा आउटपुट देखने को मिलेगा, जो इमेज क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी, प्रो हो या फिर प्रो प्लस वेरियंट हो, वो अमेजिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको इस फोन के साथ में भी देखने को मिलेगा और ये जो स्मार्टफोन हो जाएगा वो प्रॉपर फ्लेक्सिबल गेमिंग स्मार्टफोन और फ्लेक्सिबल कैमरा स्मार्टफोन भी आप बोल सकते हो। बाकी गाइस अगर बात करें बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको 55 वाट यानी 55 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और गाइस यहाँ पर आपको 50 वाट के फास्ट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यही नहीं गाइस ये फोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है, यानी वाटरप्रूफ और डस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है और ओवरऑल ये स्मार्टफोन ना एक कमाल का पैकेज हो जाता है। लेकिन भाई अगर इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन होगा इंडिया के अंदर आपको 65 से लेकर 70 हज़ार के करीब देखने को मिलने वाला है और गाइस अगर बात करें इंडिया लॉन्च को लेकर, तो ये तीन ही डिवाइस BIS पर आ चुके हैं, डेट मींस कि बहुत जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि गाइस 9 सितंबर को आपको चाइना के अंदर ये डिवाइस देखने को मिल रहे हैं, तो ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी अक्टूबर लास्ट तक कंफर्म देखने को मिल जाएंगे। तो बस यार आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल के लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव हेल्प मिली हो ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक नए और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।